भैंस और गाय धोई जाती है और यहाँ पर तुम अपने गणपति का विसर्जन करवाओगे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब ये पानी यहाँ का आप तीनों पियोगे। चलो चलो महाराज, ये विसर्जन वाला पानी तो पियो, बहुत मजा आएगा। अरे रुको यार, क्या कर रहे हो? अरे महाराज ठहरे तो सही, अरे पी के जाओ। हाँ बाप, आपके महाराज तो भाग गए, अभी थोड़ा पानी पियोगे? बस 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 बस, अभी माफ करो हमको। क्यों माफ करें? आपको माफ किया जाए और गणपति जी को इसमें डुबोया जाए। वाह भाई वाह, आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? ऐसे पानी के अंदर आप भगवान के डुबोते हो और आप इस तरह का पानी आप अपने बच्चों को पिलाओ? क्यों, पी के तो देखो कितनी बदबू आ रही है, ये गंदगी तो देखो, और वहां अपने भगवान को डुबोते हो। हर एक इंसान इसी तरह से अपने भगवान का अपमान करता है और पूरी संस्कृति का सत्यानाश होता है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? भगवान से सुख की कामना करते हो और उन्हीं भगवान को गंदगी में डालते हो, कौन तुम्हें सुख देगा? बस स्वार्थ में आकर भगवान को लाओ और अपनी भीख मांगो और डुबो दो गंदे पानी में, यही सीखे हो क्या? अच्छा, और आप वो महाराज को पकड़ के लाइए जरा। हाँ महाराज जी, आइए आइए। महाराज जी अब डरिए मत, आपसे दो बातें करनी है कि आपके ऊपर ये संस्कृति टिकी हुई है, जब आप ही इसी गंदे पानी में अपने भगवान को डुबोगे तो दुनिया क्या सीखेगी? परमात्मा का विसर्जन किया जाता है, डुबोया नहीं जाता, पर चंद रुपयों के लिए। बस काम मिला है, काम निपटा दे और उसी हिसाब से न इन लोगों को कुछ ज्ञान देना न समझाना सिखाना, बस मूर्ति लाओ, पैसा लाओ और दरिया में डालो। ये तो कोई तरीका है क्या? लोग आपको भगवान की जगह पूछते हैं, तो भगवान की जगह जिनको पूजा जाता है वो भगवान की गरिमा और उनका सम्मान का ध्यान रखे, ये कोई तरीका है क्या आपका पूजा करवाने का? आपको शर्म नहीं आती ये देखकर? दिल है कि नहीं है? गणपति का मतलब जानते हो? सिद्ध विनय वाली काया धारण करने वाला। क्या तुम्हारे अंदर विनय विवेक है? ये गणपति जी को बिठाने का या विसर्जित करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है जब तक कि तुम्हारे अंदर विनय और विवेक ना आए। जो इंसान अपने भगवान का अपमान करता हो उसको कभी भी भगवान की पूजा का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए जाइए अपने घर। चलिए, ये गणपति जी का विसर्जन मैं यहाँ नहीं करने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे गणपति जी है। आपके गणपति? डीजे का गाना आप लोगों ने बजाया था ना, डीजे लेके आप लोग आए थे, उसमें गंदे गाने आप लोगों ने बजाए थे, तब याद नहीं आया कि ये हमारे गणपति है? हा? जो हिंदू अपने भगवान की अपमान करता है वो भगवान की अपमान करने वाला हिंदू कहा ही नहीं जाए, और उसे पूजा का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसने तुम्हें पूजा का अधिकार दिया? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि डीजे में गंदे गाने बजाए जाए? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि गंदे पानी में ये गणपति जी को डुबोया जाए? इसीलिए जाओ अपने घर और दे दो मुझे मेरे गणपति जी वापिस। पहले सभ्यता सीखो फिर गणपति की पूजा करने आना। शर्म करो शर्म। गणपति बप्पा ऊर्जा वर्षी करिया। गणपति बप्पा ऊर्जा वर्षी करिया। मैंने तो मेरे गणपति जी बचा लिए, अब आप अपने गणपति जी बचा लीजिएगा। असभ्यता से, कुरीवाद से, अश्लीलता से, ये डीजे वाली संस्कृति से और हर एक प्रकार की गंदगी भरे वातावरण से और माहौल से गणपति जी को बचाना ही गणेश उत्सव हो चुका है आजकल, और तुम्हें भी अपने गणपति जी को इस तरह से बचाना होगा। और इन गंदे पानी में गणपति को विसर्जित करने से आपको पहले पहल करनी पड़ेगी। आशा है आप भी अपने गणपति जी का सम्मान करेंगे। सत्यनाम, जय हिंद।
बात पूछनी है प्लीज। सर, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, पर इस असभ्यता को रोकी कैसे जाए?